हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है एक और नए क्लैश ऑफ क्लैंस के एपिसोड में। गाइस, आज 60 डेज मैक्स चैलेंज का 9वां दिन है और 9वें दिन में हम देख सकते हो कितना आगे बढ़ चुके हैं। गाइस, सारे वॉल्स हमारे मैक्स हो चुके हैं। ईच एंड एवरी पीस ऑफ द वॉल्स जो हमारे हैं वो मैक्स हो चुके हैं। किंग एंड क्वीन हमारी 16-16 की हो चुकी है और भी हमने डिसेंट सा काम किया है। दो बैरिक्स में हमने बेबी ड्रैगन्स अनलॉक कर लिए हैं, बट मुझे पता है ओके एक्सपोज भी हमने दोनों मैक्स कर लिए, बट मुझे पता है अभी भी हमें काफ़ी लंबा सफर जो है वो तय करना है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में काफ़ी काम करेंगे। एक तो हमारे पास सीजन एंड का बोनस वगैरह सब आया था, तो थोड़ा गोल्ड एलिक्सिर काफ़ी हमारे पास हो गया था। ऑब्वियसली हमारे पास डार्क थोड़ा कम है, उसका भी कुछ मैनेज करना पड़ेगा एंड काफी सारा काम करना है। तो चलिए विदाउट एनी डिले शुरू करते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले प्लीज एंड प्लीज गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको पसंद है मेरे काम तो प्लीज एंड प्लीज वीडियोस को लाइक किया करें। एंड उसी के साथ गाइस, इन गेम कुछ भी परचेज करते हो, अगर नया सीजन अभी तक परचेज नहीं किया है या फिर अगर आप ये सीनरी परचेज करना चाहते हो तो प्लीज एंड प्लीज गाइस अड्डा कोड जरूर यूज कर सकते हैं। उससे बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है मुझे एंड मेरी फैमिली को। डू सपोर्ट गाइस। तो चलिए एक एक करके काम हमारा शुरू करते हैं। सबसे पहले ऑब्वियसली हमारे पास गोल्ड जो है वो ओवरफ्लो हो रहा है। बट देखो, जब तक वॉल्स मैक्स नहीं होते तब तक हमारे पास काफी सारा काम था गोल्ड से। बट जैसे कि वॉल्स सारे मैक्स हो चुके, अब इतना काम है नहीं गोल्ड का, मतलब रिसोर्सेस का। तो दिक्कत यही है कि कहाँ लगाए, मतलब अगर कहीं भी लगाता हूँ ना तो फिर टाइम जो है वो लगता है, और भाई लूट करने में और स्टोरेजेस भरने में तो बिल्कुल वक्त नहीं लगता, तो थोड़ा सा इश्यू लगता है मुझे ये। बट कोई नहीं, आज जो मैंने प्लान किया है वो सबसे पहले जो मुझे करना है वो है मेरा डार्क एलिक्सिर स्टोरेज जो है वो अपग्रेड करना है, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जितना ज़्यादा मैं डार्क रख पाऊंगा उतना ज़्यादा मैं हीरोज़ को एक साथ अपग्रेड कर सकता हूं। तो सबसे पहले ये जाएगा स्टोरेज। 3 दिन का अपग्रेड है, मुझे पता है 3 दिन का अपग्रेड जो है वो काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग लगेगा, बट फिर भी हम मैनेज कर लेंगे, हम झेल लेंगे इस चीज़ को। सेकेंड चीज़ जो हमें अपग्रेड करनी है गाइज, वो ऑब्वियसली मैं प्लान कर रहा हूँ कुछ डिफेंसेस को। और डिफेंसेस के बारे में बात करूँ तो एक्सबोज जो बड़े अपग्रेड थे वो हमने फिनिश कर लिए हैं। 2 एयर डिफेंस हमने फिनिश कर लिया है और 2 एयर डिफेंस अभी भी बचे हैं जो कि 175 के हैं। इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, मैं चाहता हूँ कुछ एक्सपेंसिव चीज़ करूँ। एक्सपेंसिव चीज़ की बात चल रही है तो अभी हम एक बार विजर्ड टार को चेक करते हैं। ओके, तो ये 22 लाख का है, ठीक है, डिसेंटली है ये। आर्चर टार्स बहुत सस्ते हैं, कैनन्स भी काफ़ी सस्ते हैं, तो आई थिंक ये विजर्ड टार के साथ जाना ही अकलमंदी होगी। तो यहाँ पे एक विजर्ड टार हमने यहाँ पे लगा दिया और दूसरा भी हमारे पास चारा नहीं है। एक तो हमारे पास ये बैरक्स का ऑप्शन है, बट वही है कि मैंने 2 में बेबी ड्रैगन्स अनलॉक कर लिया है तो अभी मुझे इतना इशू नहीं है। डार्क एलिक्सिर बैरक्स जो हैं या फिर डार्क बैरक्स, इनको भी अपग्रेड करना है। यहाँ पे हमें लावा हाउंड्स अनलॉक करने हैं, बट वो अभी इतनी बड़ी प्रायोरिटी नहीं है मेरे लिए, तो मैं सोच रहा हूँ कि एक और विजर्ड टार ही लगा देता हूँ। तो 2 विजर्ड टार हमने यहाँ पे लगा दिए, अभी भी काफ़ी सारा गोल्ड पड़ा है। बट यही प्रॉब्लम है कि ये जो गोल्ड पड़ा हुआ है ये इतना वर्थ इट नहीं है, क्योंकि मुझे दोनों हीरोज़ को अपग्रेड पे लगाना है। अब अगर आप बात करो किंग एंड क्वीन को, तो लगेंगे इन टोटल ऑलमोस्ट 63,000 डार्क एलिक्सिर। मेरे पास 38 है, मेरे पास यहाँ पे क्लैन कासल में थोड़ा सा पड़ा हुआ है 11,600, इतना ज़्यादा नहीं है। बट कोई नहीं, हम कुछ रेड मेडल्स यूज़ करेंगे, इन रेड मेडल से हम यहाँ पे थोड़ा सा डार्क क्लेम करेंगे ताकि हम दोनों हीरोज़ को साथ में चला सकें। मीनवाइल मेरे पास कुछ बिल्डर पोशंस भी पड़े हुए हैं जिनका भी हमें यूज़ करना है। तो चलिए फटाफट सबसे पहले थोड़े रेड्स मारते हैं ताकि जितना ज़्यादा भर सके और यहाँ पे लास्ट हमें बोनस मिलेगा। क्योंकि अब अगर आप चेक करोगे ना इवेंट सेक्शन, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो इवेंट सेक्शन में अगर चेक करता हूँ तो आई थिंक 30 मिनट्स बस बचे हैं, तो ये मेरा लास्ट बोनस होगा। बट उससे पहले मुझे ये क्लेम कर लेना है वरना यूजलेस हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने क्लेम कर लिया, अब मेरे पास थोड़ा सा स्पेस आ गया है, एटलीस्ट मैं यहाँ पे डार्क एलिक्सिर और थोड़ा सा एलिक्सिर जो है वो रख सकता हूँ। तो चलिए विदाउट एनी डिले फटाफट एक अच्छा सा बेस सर्च कर लेता हूँ जहाँ पे डिसेंट सा डार्क मिले। मुझे गोल्ड एलिक्सिर में इतना इंटरेस्ट नहीं है। ओके गाइस, तो एक दो सर्च करने के बाद यहाँ पे 6,000 डार्क मिला। अगर हम नोटिस करें तो इसके दोनों इन्फर्नो टार्स अपग्रेड पे चल रहे, टाउन हॉल 10 है, बट इतना बड़ा इशू नहीं होना चाहिए। इसके ड्रिल्स अगर मैं देखूँ तो एक ड्रिल यहाँ, एक ड्रिल यहाँ पे, एक ड्रिल यहाँ है और स्टोरेज यहाँ है। तो मेरा प्लान कुछ ऐसा है कि मैं यहाँ पे अपने किंग को ड्रॉप करूँगा और आई एम श्योर कि किंग ये डार्क ड्रिल जो है वो ग्रैब कर ले। आई एम डैम श्योर कि वो कर लेगा। ओके, सो यहाँ पे हो गया ये काम। अब सेकंड चीज़ जो मैं करना है वो ये वाला डार्क जो ड्रिल है वो गेन करना है। तो यहाँ पे एक ड्रैगन ड्रॉप करूँगा ताकि ये आर्चर टार थोड़ा डिस्ट्रैक्ट और क्वीन को थोड़ा कम डैमेज पड़े। क्वीन के मदद से मैं चाहता हूँ कि ये ड्रिल मैं निकाल लूँ। आई होप कि मैं ये निकाल पाऊँ क्योंकि क्वीन की हेल्थ जो है वो काफ़ी तेज़ी से घट रही है। यहाँ पे एबिलिटी मैंने यूज़ कर ली तो ये ड्रिल भी हमने सिक्योर कर लिया है। अब हम क्या करेंगे गाइज, अब हम आराम से इसका स्टोरेज जो है उसको एम करेंगे और उसी के साथ टाउन हॉल को भी टारगेट करना है हमने, ठीक है। तो यहाँ पे सब सही है, ड्रैगन्स जो है मेरे यहाँ से आ जाएंगे, 2 लून यहाँ ड्रॉप करूँगा, राइडर भी आएगा यहाँ से और रिमेनिंग जो लून्स है, कम ऑन, ओके, सो यहाँ पे यूज़ करेंगे फर्स्ट रेज।
सही जा रहे हैं हम। रे स्पेल्स काफ़ी सारे हैं हमारे पास, बट दिक्कत पता क्या, ये स्वीपर मेरे को पुश करके ना टाउन हॉल से दूर ना कर दे ज़्यादा। यहाँ पे एक और रेज आ जाएगा। रे स्पेल्स की हमें पास कोई कमी नहीं है, तो हमें ज़्यादा यहाँ पे मतलब कंजूसी नहीं करनी है, भर भर के यूज़ करना है। राइडर मेरा आ चुका है ठीक जगह पे, बट एक प्रॉब्लम ये है कि राइडर जो है वो टाउन हॉल को टारगेट नहीं कर सकता, और बाकी जितने भी डिफेंसेस हैं वो टाउन हॉल से ड्रैगन से वो टाउन हॉल से काफ़ी दूर जा चुके हैं। दैट्स नॉट अ गुड थिंग गाइज। क्या हो रहा है ये, मैं नहीं चाहता कि मैं डार्क स्टोरेज मिस कर दूं। ओके फाइनली एक ड्रैगन आ चुका है, दैट्स गुड एक ड्रैगन आ चुका है, और एक ड्रैगन अगर आ गया तो फिर बहुत सही हो जाएगा। मेरे पास एक फ्रीज बचा है बस, क्या ये फ्रीज मुझे अभी यूज़ कर लेना चाहिए? आई थिंक सो, मुझे कर लेना चाहिए। सो ये फ्रीज हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया है, और पता नहीं मुझे टाउन हॉल मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, बट मुझे स्टोरेज मिल चुका है। 300 डार्क है टाउन हॉल पे। आई डोंट थिंक मुझे ये टाउन हॉल मिल पाएगा, क्योंकि दोनों एक्सबोज लॉक्ड हो चुके हैं मेरे ड्रैगन पे, और बहुत तेज़ी से HP गवा रहा है मेरा ड्रैगन। नहीं, सो टाउन हॉल नहीं मिल पाया, 300 डार्क हमने मिस कर दिया, बट कोई नहीं, ज़्यादा नहीं है, 300 हम मिस इतना अफोर्ड कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट हम बैक में आते हैं, और एक और अटैक करना है ताकि हमें बोनस मिल सके। चलिए फटाफट यहाँ से, वही डाक के सामने हैं हम बहुत करीब, बट अभी तो फिलहाल मिल नहीं पाएगा, बट कोई नहीं, फटाफट चलो एक और अटैक करते हैं। काम करता हूँ मैं यहाँ पे, अपने से ले लेता हूँ ये जो, अरे मैंने तो आर्मी नहीं बनाई, अरे भाई साहब ये क्यों होता है मेरे साथ ऐसा, मैं हमेशा भूल जाता हूँ आर्मी बनाना। बट कोई नहीं, थोड़ा वेट करते हैं, ठीक है, मेरी आर्मी को ट्रेन होने देते हैं। आप लोग ब्रेक मत लो भाई, इतना फॉग बन गया है मेरे स्क्रीन में, मैंने चेक ही नहीं किया, बट कोई नहीं, मैं फॉग रिमूव करता हूँ और आर्मी ट्रेन होने के बाद। ओके सो गाइस, बीच में मैंने एक और अटैक किया ताकि थोड़ा सा और डार्क लिसेंस में गेन कर सकूं, और हम लोग काफ़ी करीब है अपने एम से। और एक चीज़ पता है क्या, मेरा 5-star कंप्लीट नहीं हुआ था, इसलिए मुझे एक और अटैक आना पड़ा। तो अब यहाँ पे अगर आप देखोगे गाइस, तो काफ़ी डार्क है, 8800 डार्क लिसेंस है। दो ड्रिल्स मुझे बाहर दिख रहे हैं, एक ये रहा एक ये रहा, बट दोनों को हीरोज जो है वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पे कुछ करना पड़ेगा। एंड फाइनल ड्रिल जो है टाउन हॉल 10 में, क्या दो ड्रिल्स होते हैं या तीन होते हैं? ओके तीन होते हैं, यस। यहाँ पे फाइनल ड्रिल है, स्टोरेज यहाँ पे है, तो काफ़ी सारा प्रॉब्लम हमने फेस करना पड़ेगा। मैं पहले कैलकुलेट कर लेता हूँ हमने करना क्या है। एक काम करते हैं, एक ड्रैगन यहाँ ड्रॉप करते हैं ताकि ये वाला ड्रिल हम सिक्योर करें। यहाँ पे मैं किंग एंड क्वीन ड्रॉप करता हूँ, किंग एबिलिटी एज अर्ली एज पॉसिबल, क्योंकि मुझे पता है एनिमी किंग जो है वो बहुत ज़्यादा लेवल का है, तो उसके सामने टिकना थोड़ा मुश्किल है। बट कोई नहीं, यहाँ पे हमने ड्रिल निकाल लिया, दैट्स अ गुड साइन। और उसी के साथ अगर हम एक आधा डिफेंस निकाल पाएँ तो वो अच्छा होगा, बट मुझे नहीं लगता हो पाएगा ये। चलो क्वीन एबिलिटी यहाँ पे यूज़ करते हैं, अगर क्वीन एयर डिफेंस को निकाल लेती है ना तो ये ह्यूज होगा मेरे लिए। नहीं, क्वीन को पहले आर्चर टार को लॉक करना था यार, शिट। कोई बात नहीं, अभी भी हमारे पास बहुत सारा ऑप्शन खुला हुआ है। एक तो हम अगर इस साइड से जाएंगे, स्वीपर हमारा यहाँ पॉइंट डाउन कर रहा है, ठीक है, ये ऑप्शन अच्छा है। यहाँ पे ड्रॉप करेंगे एक ड्रैगन, यहाँ पे एक ड्रैगन, एंड यहाँ पे हमारे लून्स आ जाएंगे सारे के सारे, यहाँ पे राइडर आ जाएगा, यहाँ पे बाकी ड्रैगन्स आ जाएंगे, डबल रेज एज अर्ली एज पॉसिबल, दैट्स गुड। ओके यहाँ पे एक फ्रीज करते हैं, परफेक्ट। यहाँ पे एक और रेज, यहाँ पे फ्रीज करते हैं। नहीं, कम ऑन, यहाँ पे एक और रेज, आई थिंक हो जाएगा, मुझे स्टोरेज मिल जाएगा, पता नहीं यार, समझ नहीं आ रहा मुझे, मेरा ड्रैगन कहाँ जा रहा है? नहीं, स्वीपर को मत जाओ प्लीज़, कम ऑन स्टोरेज पे जाओ, अरे बम टार पे नहीं जाना था यार, क्या करूँ मैं इस ड्रैगन का, पता नहीं, कम ऑन स्टोरेज पे। बट प्रॉब्लम यही है कि एयर डिफेंस जो है वो छोड़ेगा नहीं मेरे ड्रैगन को, बट कोई नहीं, जब तक मेरा ड्रैगन मतलब ख़त्म होगा तब तक काफ़ी सारा डार्क मुझे मिल चुका होगा, और ऑलरेडी मुझे ड्रिल से काफ़ी सारा डार्क मिल चुका है, तो थोड़ा कम मिला बट मेरा चल जाएगा काम, ठीक है, 7100 काफ़ी है। ओके, और बोनस भी हमने मिल गया है, और ये हम यहाँ से क्लेम कर लेते हैं, दैट्स स्वीट। और उसी के साथ हम दोनों हीरोज़ को साथ में अपग्रेड कर सकते हैं, ये गया एक हीरो और ये गया दूसरा हीरो। अब मैं आपको इससे भी इंपॉर्टेंट प्लान्स बताता हूँ, पता है क्या, सबसे पहले मैं मेरे पास शायद बिल्डर पोशंस पड़े हुए हैं, एक दो तीन, ओके, तो तीन बिल्डर पोशंस पड़े थे, तीनों हमने मार दिया यहाँ पे, ऐसा मतलब काफ़ी जल्दी हमारा प्रोग्रेस हो जाएगा। और जो मैं बता रहा था आपको, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैं शेयर करना चाहता हूँ गाइज, वो ये है, देखो 3 दिन में ये डार्क स्टोरेज मेरा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद मेरी जो कैपेसिटी हो जाएगी ना डार्क रखने की, वो 180 है जितना मुझे याद है, 1,80,000। अब 1,80,000 में हम दोनों हीरोज़ को एटलीस्ट 3 बार अपग्रेड कर सकते हैं, मोटा मोटा, मतलब थोड़ा सा चाहिए होगा हमें। और अगर मैं आपको बताऊं तो मेरे पास अभी फ़िलहाल यहाँ पे एक डार्क रून है,
आप सोच सकते हो, मतलब मैंने 17 डाल दिया है और 3 लेवल और हो जाएंगे जितना मुझे यहाँ पे मिलेगा उससे, ठीक है। तो काफ़ी लंबा प्लान किया है हमने और जैसे मेरे बिल्डर्स जो हैं वो फिनिश हो जाएंगे, अब मैं आपको नेक्स्ट प्लान बताता हूँ। नेक्स्ट प्लान ये है कि सबसे पहले मैं दोनों डार्क बैरक्स को कर लूँगा, दो बैरक्स मेरे नॉर्मल वाले बैरक्स बचे हुए हैं इनको मैं पहले कंप्लीट करूँगा, उसके बाद मैं आऊँगा विजिट टावर्स पे, दो विजिट टावर्स मेरे चल रहे हैं, उसके बाद दो विजिट टावर हम फिनिश करेंगे, उसके बाद हम पकड़ेंगे एयर डिफेंस जो कि दो ही बचे हैं, दो हो चुके हैं, उसके बाद आर्चर टावर्स एंड टेस्लास और फाइनली हम आएंगे कैनन्स के ऊपर। तो ये हमारा प्लान है और जैसा पेस हमारा चल रहा है अभी तो 9 दिन ही कंप्लीट हुए हैं इस सीरीज को और 9 दिन में आप अगर देखोगे कैलकुलेट करके कि कितना काम मैंने किया है, बहुत सारा काम हमारा हो चुका है। अभी भी मुझे पता है कि काम बचा हुआ है बट इस पेस से अगर हम जाएंगे ना आई डोंट थिंक कि मुझे कोई रोक पाएगा, बट देखते हैं क्या होता है आगे वाले टाइम पे पता चलेगा। एंड उसी के साथ गाइज आने वाले टाइम पे काफ़ी सारे और चैलेंजेस, जैसे पहला चैलेंज अगर अभी तक आपने चेक नहीं किया मेरा वीडियो चेक करें, जो पहला चैलेंज अभी यहाँ पे चल रहा है जो आपको बीट करना है गॉब्लिन मेज चैलेंज, और इसके बाद भी काफ़ी सारे चैलेंजेस आने वाले हैं जो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, वहाँ पे भी आपको काफ़ी सारे गिफ्ट्स मिलेंगे। तो उससे के साथ मैं आऊँगा आने वाले वीडियोज़ में, आज के लिए इतना ही, होप श्योर आपने इंजॉय करा, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, एज ऑलवेज गाइज जय हिंद, बाय।